और चलिए बिलासपुर का सीधा रुख कर लेते हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उद्बोधन कर रहे हैं। चौहान जी, बीएल कुर्राम जी, खाम सिंह माझी जी, लोकेन सिंह जी, हरबंस सिंह मिरी जी, बिशन सिंह परतेती जी, मैं नायक जी, के मैत्री जी, सीताराम सेठमाके जी, हिरासन उइके जी, कांति नाग जी, डॉक्टर सी एस उइके जी, वेद सिंह मरकाम जी, श्री राजेश जी, गुरुचरण नायक जी, श्री पुचैया जी, दिवाकर पेंद्राम जी, मूलचंद गोड़ जी, नीलकंठ टेकाम जी, आर्यन ध्रुव जी, रामचंद्र जी, वंदना उइके जी, सुभाष परते जी, गीता चीदरी जी, सच्चिदानंद जी गोड़, राजीव ध्रुव, देव सिंह पोरते, विजय जगत जी, सुरेश भोपाल जी, सुनील साम जी, राम नारायण राठौर जी, डीपी ठाकुर जी, सियाराम नेताम जी, धनेश्वर नेताम जी, मुकुंद सिंह नेताम जी, साथ ही विभिन्न प्रदेश से आए हुए सब अतिथि मन, प्रदेश के कोना कोना से आए हमर आदिवासी समाज के सब पदाधिकारी मन, बहुत अकन नर्तक दल के साथी मन आए, उग्रो मन के अभिवादन, हमर जनप्रतिनिधि मन, सियान मन, दीदी मन, लयिका मन, सब अधिकारी मन और पत्रकार साथी मन, सबसे पहले विलंब से आए थे, एक बार आप सबसे क्षमा चाहता हूं, हेलीकॉप्टर से आना रही से, लेकिन पानी खूब गिरत रही से रायपुर में, हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पाईस, तो फिर डॉक्टर प्रेम साहब के काम लेके हैं, तो यहाँ रायपुर के कार्यक्रम ने निपटा, पहले मैं भाषण दे देता हूं और ओकर बाद फिर भाई रोड हमार शिशुपाल सोरी जी और हमार भानु प्रताप जी तीनों जन फिर सड़क मार्ग से आए, रास्ता में राजेंद्र शुक्ला, अभय नारायण हमारे रास्ता में रोकेरी से स्वागत करबो, हम कहें स्वागत करबे तो लेट हो जाये, तुमन वहां आए फोन करके बता दे तुम्हारा स्वागत ला झोंक ले ना, तुमन आहू वहां साइंस कॉलेज ग्राउंड में। बहन अर्चना पोरते जी, बहुत सब साथी बिलासपुर के चौक चौराहा, बहुत सब साथी मन है स्वागत भर माला फूल माला लेके खड़े रही से, पहली बार ऐसे हुई सोई कि मैं नहीं रुके, वो सब साथी से मैं क्षमा भी चाहता हूँ, काबर की यहाँ आना रही से दूर दूर से आया है और सब लोग अपन घर भी जाना है, पानी बरसात के दिन आज 9 अगस्त दो बाद भर हमन पूरा देशवासी मन स्मरण करते हैं, एक तो विश्व आदिवासी दिवस है, पूरा दुनिया भर के आदिवासी मन आज के दिन महत्वपूर्ण काबर के यूनाइटेड नेशन आज ला आदिवासी दिवस के रूप में ये ला चिन्हित करे, सब पूरा दुनिया भर के आदिवासी आज इकट्ठा होके विश्व आदिवासी दिवस मनाते, ओकर भर भी बहुत बहुत बधाई। दूसरा आज 9 अगस्त अगस्त क्रांति के रूप में हम सब जानते हैं, देश के आजादी में एक महत्वपूर्ण निर्णायक लड़ाई आज के दिन महात्मा गांधी मुंबई में केरिस अंग्रेजों भारत छोड़ो, करो या मरो, डू आर डाई के नारा महात्मा गांधी, देश और बड़े बड़े नेता मन अंग्रेज मन उन गिरफ्तार करके जेल में डाल देश। जहां तक देश की आजादी के लड़ाई की बात है तो हमारे आदिवासी मन, आदिवासी नेता मन कोनो कर पीछे नहीं रहे। 1857 के गदर के बात हो चाहे जंगल सत्याग्रह के बात हो, हमारे आदिवासी नेता मन बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, और एमए शहीद वीर नारायण सिंह 1857 में रायपुर के जय स्तंभ चौक में बोला 10 दिसंबर के बोला फांसी टांग दी गिरी से, हमारे छत्तीसगढ़ के आदिवासी नेता मन पीछे नहीं रहे, 1824 में फरलकोट के राजा गायन सिंह लोकर महल के सामने आदिवासी राजा बोला फांसी टांगेरी से, गुंडा धूर अंग्रेज मन होकर बहनी ऊपर गलत नजर डाले, वो अंग्रेज मन के खिलाफ बगावत के बिगुल पूछी फुकेस, आत्मसम्मान भर आदिवासी मन के गौरव के रक्षा भर गुंडा धूर अपन प्राणों के निछावर दे, ऐसे हमारा आदिवासी समाज
यदि प्रदेश के बाहर करें तो बहुत अगर नाम आए जिमें जबलपुर के रानी दुर्गावती शंकर कतेक जन के नाम ज्ञान जिमें ना आदिवासी स्वतंत्रता के आजादी के लड़ाई में मन के महत्वपूर्ण भूमिका रहे। अंग्रेज मतलब लोहा के चना चबाया के काम करे है तो हमारे आदिवासी समाज के नेता मन करे। जैन समाज प्रकृति के साथ जीते, प्रकृति के साथ खुले विचार से खुलापन समाज में अतेक यदि आदिवासी समाज में कहे जाए तो लोकतांत्रिक समाज एक से बड़ा समाज दूसरा आपला नहीं दिखा। हमारे बस्तर में हम सब देवी देवता पूजा करतन, सब समाज में देवी देवता पूजा करे परंपरा है, लेकिन ऐसे कोई समाज नहीं है जिन देवी देवता ले भी सजा सुनाए। लेकिन बस्तर में यदि ओकर देवता कहूं कर बात नहीं मानी, बहुत ओला चाउर चढ़ा थे उल्टा पाक के कुकरी दी बोकरा भेंट करी सब करी और कहूं कर काम ल नहीं करीस, हमार बैगा मन के आवेदन ल नहीं स्वीकार करीस, आदिवासी परिवार के काम ल नहीं करीस, तो समझ ले ओकर मन के सुनवाई होते ओकर मन के कोर्ट लगते, देवता मन के कोर्ट लगते। पहली बार तुम सुने वही बस्तर में लगते और जैन देवता कहो अगर काम नहीं करी तो सजा भी सुनाए जाते और दफनाए भी जाते। गलत बात बोला था, सही बात है ना नहीं? तो आते न्यायप्रिय समाज दूसरा कौन हो सकते, काबर के आदिवासी समाज अपन देवता के साथ धान भी बोते फसल भी बोए काम लग करते, ओकर साथ निंदाई कोड़ाई भी करते, ओकर साथ फसल भी काटते और मिंजाई भी करते, यदि कुटाई पिटाई करना है तो अपन देवता के साथ करते, खान पान रहन सहन बार ब्याह सब में अपन देवता के साथ नाचते ओकर साथ खाते पीते सब। ये आदिवासी समाज वो अपन अलग समझ भी नहीं करे, ओकर देवी देवता मतलब हमारे परिवार हमार सियान हमार मुखिया, ऐसे आदिवासी समाज। तो प्रकृति के साथ उन्मुक्त जीवन जीने वाला समाज आवाज अधिकार मन के स्थिति में सुधार हो, यूनाइटेड नेशन एक बार व्यवस्था करी के आदिवासी मन के मूल निवासी मन के स्थिति में कोई सुधार नहीं होते, होकर चिंता जाहिर करी पूरा दुनिया भर के 90 देश में आदिवासी मन फैले है, होकर मन के उत्थान विकास के बात होते, हमारे छत्तीसगढ़ में लगातार तुमन देखे कि नक्सलवाद के नाम से कैसे आदिवासी मन के घर उजाड़े गए, कैसे ओकर मन के स्कूल तोड़े गए, कैसे शिक्षा से दूर करे व्यवस्था करे पलायन करे पर बाध्य हो, बस्तर में आदमी 600 गांव उजाड़ गए। जैन आदमी जैन निडर हो गए घुमत रिसे बस्तर में ओकर चेहरा में दहशत के साया चिंता माता में चिंता के लकीर परेशान, कोनो आदमी अपरिचित आदमी दिखे पहले हमन बस्तर जान तो कहूं माटी तिहार होते आमा तिहार होते तो फिर रास्ता भी रोकतीस और रुपया दू रुपया पैसा भी मांगतीस और सल्फी और महुआ हो गए तो पिए मन लो देतीस और ओकर मन से नृत्य भी करतीस आते खुलापन। लेकिन ये बीच में दौर में डर के माहौल दहशत के माहौल बोला खत्म करे काम हमार सरकार करे, हमार जो नीति है विश्वास विकास और सुरक्षा, हमार सरकार बनते ही सबसे पहले लोहांडी गुड़ा की जमीन 1700 किसान के 4200 एकड़ जमीन हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ये हुई, आदिवासी मन के जमीन ले काम तो बहुत सुने लेकिन आदिवासी मन के जमीन वापस करे काम कोनो करे तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार करे। पश्चिम बंगाल से भी साथी मनाए सिंगूर की घटना बहुत सुनाई देते,
वो मैं तख्ता पलट भी हो गए लेकिन जमीन अभी तक के उमल नहीं मिले। केवल छत्तीसगढ़ में यहाँ के आदिवासी किसान मन के जमीन ला वापस करे काम ला करे। फॉरेस्ट राइट एक्ट से पट्टा दे के काम सुप्रीम कोर्ट में हमन लिख के देन कि भाई हमारे यहाँ वितरण के काम नहीं हुए, आदिवासी मन के जमीन मिलना चाहिए, ये वितरण अभी तक ठीक नहीं हुए, ये रोक लगना चाहिए। नहीं तो स्थिति कारी से जे मतलब पट्टा मिल गए वो तो जमीन के हकदार और जमन 13 दिसंबर 2005 के पहली जन काबिज है वो सब लेकर पट्टा नहीं मिले थे अतिक्रमणकारी मान के वो बेदखल कर एक निर्देश हुआ तरी से। लेकिन वो समय में हमन दखल दें सुप्रीम कोर्ट में हमारे अधिकारी मन की हमन वकील लगाए और लिख के दें कि हमारे यहां वितरण नहीं हुए। और आज 5 लाख से अधिक जंगल में रही मतलब पट्टा देन फॉरेस्ट राइट के तहत 5 लाख हेक्टेयर तो निजी उपयोग पर दे हैं, निजी पट्टा दे है और 4000 सामुदायिक दावा के पट्टा जब 15 लाख हेक्टेयर जमीन दे गए। आज वन संसाधन उपयोग के पट्टा ये हमन वितरण करें आज आप लोग बताते हो मल खुशी होते बहुत पैसा कानून नियम के बात होते रही 1996 से लागू है नियम नहीं बन पाते इसे कैसे संचालन होना है। 7 तारीख के कैबिनेट हुई कैबिनेट मन पारित करें आदिवासी मंत्रालय परिषद के बैठक हुई 8 तारीख के वो में पारित करें और बाद आज कल 8 तारीख के विश्व आदिवासी दिवस के एक दिन पहले मैं अधिकारी मल निर्देश दें जिन दिन मैं आदिवासी भाई मैं जाऊं वो दिन वो नियम बन जाना चाहिए नोटिफिकेशन हो जाना चाहिए और कल 8 तारीख के 8 अगस्त के वो नोटिफिकेशन हो गए। अब जन जागरण पर एक अभियान चला था कैसे कैसे काम करी हमारे आदिवासी भाई बहनी मन गांव के समिति कैसे बनी ओम कौन कौन रही ओमे का फैसला करी ओम का अधिकार है ये जन जागरण अभियान चलाए बेर अमन कमेटी बनाए जिला प्रशासन है तो कैबे करी आदिम जाति कल्याण विभाग तो करवे करी लेकिन होकर साथ साथ सरकारी काम के साथ एनजीओ मन भी लगाए ताकि गांव के रही हमारा आदिवासी भाई बहनी मन जाने को अधिकार का है। जी हाँ आदिवासी मतलब हमन अधिकार देन वही हमन अपन बेटी माई मतलब बहनी मतलब भी अधिकार देन। आदिवासी मन के जनसंख्या के आधार पर वो कमेटी में सदस्य रही यदि 60% वो गांव में आदिवासी है तो कमेटी में 60% आदिवासी रही लेकिन कम से कम 50% तो आदिवासी होना चाहिए कमेटी में और उनमें आधा महिला मर रही समझे थे ना वंदना। हाँ हमारे जो नियम बनाए ना भी ये आदमी के आदमी मन भर नहीं रहा है आधा माई लोग इन तक रही हमारे बेटी माई मन तक रही और वो समिति का अध्यक्ष केवल आदिवासी हो सका थे वो समिति में दिगर जात के भी रही मतलब यादव है कलार है मरार है कुमार है लोहार है दिगर जात के भी है गांव में कमेटी में होकर जनसंख्या के आधार पे वो प्रतिनिधि मिली जैसे गांव सब जात के रिथन हमारे आदिवासी गांव मन में आदिवासी मन के संख्या ज्यादा तो निश्चित रूप से आदिवासी मन के जत का जनसंख्या तेकर हिसाब से वो कमेटी में रही लेकिन गैर आदिवासी मन है तीनों मन वो कमेटी के सदस्य रही लेकिन समिति के अध्यक्ष केवल आदिवासी हो ही। एक साल तो आदमी मर रहेगा नीलकंठ कहाँ है घटिकान जी। हाँ एक साल आदमी मर रही तो दूसरा साल माई लोग इन मन अध्यक्ष बनी ठीक है नहीं बहुत अकान अधिकार ओम देन खनिज के अधिकार है पुलिस विभाग के अधिकार है गांव के विकास के अधिकार है सब विभाग के वो महावे और पढ़ू अभी बताओ बहुत समय लगी नियम बन गए बहुत अकान राज उड़ीसा में नहीं बने मध्य प्रदेश में नहीं बने बहुत अकान राज में नहीं बने हमारे छत्तीसगढ़ में बने झारखंड में नहीं बने हम छत्तीसगढ़ में बनाए आदिवासी मन के उत्थान विकास पर हमार सरकार कृत संकल्पित है कोई समझौता नहीं और पाए के यदि आदिवासी किसान है तो ऋण माफी हो है आदिवासी यदि धान बेचे थे तो 2500 रुपए मिले है
केंद्र सरकार और अंगा लगे इतना 1000 रुपया देता, आज 9 अगस्त है, 20 अगस्त के दूसरा किस्त तुम्हारे खाता में फिर आ जाए। रोपाई हो गए, निंदाई कोड़ाई हो गए, बेटी माई मन अब तीजा ही 28 तारीख के 20 तारीख के वो खाता में तुम्हारे मई के मन के खाता में पैसा डाल दू और लुगरा बने बने ले वो हाँ पैसा देवा था 20 तारीख के पैसा पहुंच जाए। तो हमारे किसान मन के आर्थिक स्थिति सुधार, हमारे जंगल में रही सब आदिवासी भाई बहनी मन है दिगर जात के मन रही थे, तेंदू पत्ता देश में सबसे ज्यादा कीमत 4000 प्रति मानक बोरा हिंदुस्तान में कोनो राज्य में नहीं है 4000 रुपया। पहले 7 प्रकार के लघु उपज खरीद 65 प्रकार के लघु उपज और लघु उपज केवल खरीदत नहीं है बल्कि वैल्यू एडिशन होते तिखुर के कांदा भर कोल ले दी से अब तिखुर के पाउडर बनाते रोजगार भी मिले थे। काजू हमारे यहाँ बस्तर में जसपुर में व्यापारी में सस्ता 50 रुपए 60 रुपए किलो लेते से अब ओकर प्रोसेसिंग प्लांट लगा दें 300 रुपए से लेके 1900 रुपए किलो में बेचा थे, कहा 50-60 रुपए और कहा 1900 रुपए का कतेक अंतर और सैकड़ों मतलब रोजगार मिला थे और रेट भी मिला था लघु उपज से पैसा कमाए काम। तो आज मैं पाटन क्षेत्र कर रही हूं, मोर क्षेत्र में एक ठक ट्रैक्टर की एजेंसी नहीं है लेकिन बीजापुर चल दे आदिवासी क्षेत्र में 4-4 ठक ट्रैक्टर की एजेंसी, ये शिशुपाल सोरी कांकेर मेरी से पहली नेरी से अब के ठगेगा ट्रैक्टर के एजेंसी, 5 ठक एकड़ यहाँ कार के एजेंसी मोटरसाइकिल के लाइन लगे सब आदिवासी मन कर पैसा पहुंचा था। मोर आदिवासी भाई मन मोर अन्नदाता मन प्रसन्न नहीं कर से बड़े बात कुछ नहीं हो सका है। रोजगार के व्यवस्था, इनकम के व्यवस्था और साथ साथ शिक्षा की व्यवस्था, हमारे गांव के लड़का मन अंग्रेजी में पढ़ा है स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल 300 ये मन मांग मांग के हते कन स्कूल खुलवाया, अभी भेंट मुलाकात में गिर है खूब स्कूल मांग करी आदिवासी मन केवल 2 ठक मांग करी मोर से, एक तो अंग्रेजी स्कूल खुलवा स्वामी आत्मानंद के नाम से और दूसरा किस हमारे यहाँ बैंक दे। मैं क्या बैंक लगा करू, मैं बहुत दिन बस्तर में आता हूँ पहले तो बैंक नहीं मांगा रहे पैसा तो आते मन माने सुबह जा रही था रात हो जाते पैसा नहीं निकले दूसरे दिन फिर जाए लग तो बैंक होना चाहिए। धान खरीदी सेंटर हमन खोल दें 2400 धान खरीदी केंद्र 2000 सोसाइटी और एक से निश्चित रूप से खूब पैसा आम आदमी की जेब में जाते। जेकर मनकर एक डिसमिल जमीन नहीं है वो 7000 रुपया सालाना इनकम बढ़ाए के साथ साथ शिक्षा की व्यवस्था और साथ ही स्वास्थ्य बहुत जगह चिंता करते आदिवासी मन के जनसंख्या घटत है उल्टी दस्त में मर जाते मलेरिया हो गए ते में मर जाते छोटे छोटे बीमारी में मर जाते कावर इलाज नहीं मिला हमन मलेरिया मुक्त बस्तर से शुरुआत करें ओकर बाद छत्तीसगढ़ में अभियान चलाएं 65% मलेरिया में कमी आए 65% हाट बाजार क्लिनिक योजना लगाए लाखों हमारे आदिवासी भाई बहन में उनका लाभ उठा भेंट मुलाकात कर में सब पूछत रहे मैं उल्टी दस मर जाते जब 3-3.5 साल हो गए हमारे सरकार बने उल्टी दस में कोई खत्म नहीं होता कावर की इलाज की व्यवस्था हम गांव तक पहुंचा दें हाट बाजार तक पहुंचा दें। कोरोना में मितानिन मनकर सब दवाई दी से ये प्रकार स्वास्थ्य और शिक्षा एकर व्यवस्था हमन करें अब बचीस जिन हमारे स्वाभिमान हमारे जेकर पहचान है हमारे संस्कृति गोड़ी संस्कृति आदिवासी संस्कृति एला बचाए बर गांव गांव में देवगुड़ी पहली पैसा उसा नहीं मिला तरी से अब देवगुड़ी जतका गांव है देवगुड़ी बनाते 2400 देवगुड़ी बस्तर है सुकृत करें मैं सरगुजम जाके भाई देवगुड़ी पर पैसा दो 5 लाख तुम्हारा आवेदन ही नहीं आता अभी रश्मि कार्ड हम देवो भैया हमें के बिल्कुल दो प्राधिकरण से दो डीएमएफ से दो अब विधायक निधि से नहीं दे सको तो कर संशोधन करवा देवो ओकरोस दो देवगुड़ी पर हमार देवगुड़ी हमार पहचान बस्तर के गोटुल हमार पहचान
और हमारे जिन कला है, हमारे संस्कृति है, एकर संरक्षण बर लिपिबद्ध करे बर डॉक्यूमेंटेशन करे बर आज 41 पुस्तक के विमोचन करे ने 41 पुस्तक जैन गोड़ी विद्रोह है, आदिवासी विद्रोह तेकर मन के संग्रहण और एकर बर रायपुर राजधानी में 25 करोड़ रुपया के परिसर बनाते शहीद वीर नारायण सिंह के नाम से हमन बनात। अगले साल अक्टूबर के आवत ले वो बन जाई, आप मन नया राजधानी भवन मांगा था, मांगे पहली हम बना दिया था तुम्हारे 25 करोड़ के में पूरा जन आदिवासी मन के जब का विद्रोह है, संघर्ष है, आंदोलन है, तुम्हारे खान पान है, तुम्हारी संस्कृति है, तुम्हारे नृत्य है, तुम्हारे संगीत है, तुम्हारे कलाकृति है, वो सब के संग्रहण हुई कि आदि काल से हमारे आदिवासी मन कौन प्रकार से जीवन जी रात्रि से होकर संग्रहण ओम हुई। बादल बस्तर में चल दे वहां सब भाषा के जितका बोली भाषा तेकर संग्रहण करें, छत्तीसगढ़ के 16 प्रकार के बोली भाषा है तेकर पुस्तक हमन छापेन, ओकर शब्दावली हमर करे ताकि हमर लड़का मन अपन मातृभाषा मत भूले, वही में पढ़ाई लिखाई करे, ये काम हमन करें तो दस्तावेजी करे करे काम लगातार हमन करत। जैन आदिवासी समाज के योगदान है वो कभी नहीं भुलाया जा सके और वो बहुत गौरवशाली हमार परंपरा और इतिहास है, ओला सहेज के रखे काम हमारे छत्तीसगढ़ में करना है और हम करके दिखाए हैं। अगले सालों का उद्घाटन में आप सब हम आमंत्रित करो तो ये प्रकार के काम और जमीन और भवन के मांग कर रहा था मैं तो हर भेंट मुलाकात काम में जाता हूँ, हर जिला दौरा करें, जैन जैन समाज में जमीन मांगते रही जमीन देख काम, जेकर अगर जमीन है तेकर भवन बनाए पर पैसा देख काम, ये सब काम कर रहा था। अब तो मैं विधानसभा में जा रहा हूँ, तीहों मांगा तीहों देता हूँ या फिर बैठबो और निश्चित रूप से दे के काम करबो, एम कोई पीछे हटे सवाल ही नहीं उठे। बहुत अगर मांग हमारे सब साथी मन करे है, अध्यक्ष जी नीलकंठे काम करे है, तो एक अब जिन गोंड राजा रघुराज सिंह स्टेडियम या सत्यम चौक गोंड राजा रघुराज सिंह के स्टेचू और विशाल शिला लेख उत्कीर्ण किया जाए, गोंड पारा का नाम, वार्ड का नामकरण गोंड महाराजा चक्रधर सिंह पोर्ते के नाम से किया जाए, ये मांग करे। और महापौर जी सहमत है का? सहमत है स्टेच्यू लगे ना, वो स्टेच्यू लगाबो, महापौर जी सहमत है एक मैं घोषणा करा था। तो बहुत अगर मांग आप करे हो एक समीक्षा करके अभी भेंट मुलाकात कार्यक्रम में पानी थोड़ी सिरा जाए, खेती काम से तुम खेती किसानी तुम थोड़ी निवृत्त हो जाओ, फिर बैठबो चर्चा करबो हर समाज ला, चाहे जमीन दे के बात हो चाहे भवन दे के बात हो, बहुत उदारता पूर्वक सब समाज ला दे थन, यूं बैठ के चर्चा करबो यूं देबो, ये बात के विश्वास आप मतलब दिलाते हुए पूरा देश भर के प्रतिनिधि के रूप में हमारे आदिवासी नेता मना है सबके में छत्तीसगढ़ में स्वागत कर रहा था, अभिनंदन कर रहा था और हमारे आदिवासी समाज के द्वारा बहुत सुंदर आयोजन पूजा पाठ भी करें। हाँ अभी शुरू नहीं हुए, अभी चरण तो दे मतलब आगा दे वाला फिर उकर मजा देख, और वो अकेला है पूरा परिवार ला नहीं लाए ना का, तो आप सब लोग बहुत बहुत बधाई विश्व आदिवासी दिवस के दिन शुभकामना देते हुए, अगस्त क्रांति की भी बधाई और शुभकामना देते हुए आप सब लपनाम करते हुए अपन वाणी लेकर विराम देता हूं। धन्यवाद, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, बुलाल पेंता, सेवा सेवा, बुलाल पेंता, सेवा सेवा, बुलाल पेंता, सेवा सेवा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, आप मन विस्तार से आदिवासी समाज के विकास के बारे में बताओ। मैं सम्मान के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा माननीय श्री ओंकार शाह जी, श्री शेर सिंह आचला जी, श्री कुमारी आरती कुंजाम जी, कल्पना भास्कर जी, दशमत वट्टी जी, श्रीमती अर्चना पोर्ते जी, श्री देवेंद्र शाह जी, श्री जितेंद्र बहादुर सिंह जी, लकेश्वर सिंह दशरंगपुर जी, श्री उदय प्रताप सिंह जी, श्रीमती जयलक्ष्मी ठाकुर जी,
श्रीमती चंद्रिका पोटाई, श्री इंद्रजीत पोटाई, श्री आयुष पोटाई, आप सभी आए और माननीय मुख्य अतिथि के हाथों सम्मान प्राप्त करेंगे। साथ ही वन अधिकार पट्टा के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्रीमती कुसुमबाई राजकुमार भैया, वन अधिकार पत्र वन अधिकार पुस्तिका के लिए श्रीमती राजबाई। और बड़ी खुशी की बात है कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी के घोषणा के अनुरूप हमार अति पिछड़ी जनजाति के लड़का मल्ल आज नियुक्ति पत्र मिला थे। भृत्य के पद पे संतोषी भाई बैगा, सहायक शिक्षक के पद पे शिवरतन बैगा, सहायक शिक्षक के पद पे सुरेखा बैगा। साथ ही हमार महिंद्रा ट्रैक्टर वितरण श्री देवसी पोर्टे पोल्ट्री फार्म में है तो 5 लाख रुपया नरेश कुमार, सीएससी च्वाइस कंप्यूटर सेंटर श्री विशंबर सिंह नेताम, महिला सशक्तिकरण रेडीमेड व्यवसाय हेतु राशि ₹2 लाख का चेक श्रीमती सविता ध्रुव, गोदना शिल्प हेतु अनुदान राशि 4000 का प्रदाय कुमारी रीना टेकाम, गोदना शिल्प हेतु अनुदान राशि ₹4000 कुमारी सावित्री उइके, बांस शिल्प हेतु अनुदान श्री बनवाईलाल स्रोते, बांस शिल्प हेतु अनुदान श्री राकेश कुमार, बांस शिल्प हेतु अनुदान 4000 श्री लक्ष्मण कुमार। इस तरह से